बॉलीवुड को करीब से देखा है, जाना है, समझा है, महसूस किया है और इस नतीजे पर पहुंची हूं कि बॉलीवुड में दोगलापन बहुत है। अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने बॉलीवुड पर की बड़े खुलासे। अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद खान पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, साथ ही उन्होंने बॉलीवुड के दोहरे रवैये पर भी सवाल खड़े किए हैं। शर्लिन ने इस संबंध में कई ट्वीट भी किए। हालांकि शर्लिन से पहले भी साजिद खान पर कई अभिनेत्रियां और क्रू मेंबर यौन शोषण का आरोप लगा चुकी हैं। इनमें दिवंगत अभिनेत्री जिया खान, सलोनी चोपड़ा, रशेल वाइट और सिमरन सूरी शामिल हैं। शर्लिन ने बताया कि कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि ये सब पहले क्यों नहीं बताया। इसका जवाब देते हुए बोली कि 2005 में मेरे पिता का निधन हो गया था। मैं भावनात्मक रूप से काफी टूटी हुई थी, साथ ही मैं बॉलीवुड में न्यूकमर थी। ऐसे में मेरे लिए ये आसान नहीं था कि मैं इस मामले को लोगों के सामने रखूं या इसकी रिपोर्ट लिखाऊं। लेकिन कुछ साल पहले मीटू के कारण पता चला कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि कई महिलाओं के साथ हो चुका है। इसके बाद मैंने अपनी बात रखना सही समझा। दिवंगत अभिनेत्री जिया खान की बहन करिश्मा ने भी साजिद खान पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। जिया खान पर आधारित बीबीसी के एक कार्यक्रम में करिश्मा ने बताया कि रिहर्सल के समय जब जिया स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, उसी समय साजिद ने जिया से कपड़े उतारने के लिए कहा। करिश्मा ने बताया कि जिया को कुछ समझ नहीं आया कि उसे क्या करना है। जिया ने कहा कि फिल्म की शूटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई और ये सब हो रहा है। जिया घर आकर रोने लगी। वहीं शर्लिन बोली, हीरोइन बनने आई थी और बन गई एडल्ट कंटेंट क्रिएटर। मैं इसका पूरा श्रेय बॉलीवुड को देती हूँ। मैंने बॉलीवुड को करीब से देखा है, जाना है, समझा है, महसूस किया है और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि बॉलीवुड में दोगलापन बहुत है, बहुत ज्यादा है। खुले में डिप्रेशन के नारे लगाते हैं, डिप्रेशन इज अ डिसीज, ऐसा बोलते हैं, रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज जस्ट लाइक कैंसर। और बंद कमरे में क्या करते हैं? माल का सेवन करते हैं। खुले में फैमिली सेंटिमेंट्स की बात करते हैं और बंद कमरे में क्या करते हैं? लिंग का प्रदर्शन करते हैं, लिंग स्पर्श करवाते हैं। तो इनका फंडा बहुत ही सिंपल है, बद रहो, बदनाम मत रहो। मेरा फंडा उसका विपरीत है, बदनाम रहना मंजूर है लेकिन बद होना बिल्कुल नहीं। तो शायद इसलिए मैं बॉलीवुड के निर्देशकों से, निर्माताओं से, अभिनेताओं से, अभिनेत्रियों से मेल नहीं रखती हूँ, क्योंकि फंडे बहुत अलग हैं। और इतना सब कुछ सहने के बाद अब बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं बॉलीवुड का हिस्सा बनूँ, बिल्कुल नहीं। इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट।